मोदी के डिजिटल इंडिया कैंपेन की तर्ज पर दिल्ली पुलिस भी डिजिटल पुलिस बन रही है। दिल्ली पुलिस ऑनलाइन चोरी और खोनी की एफआईआर दर्ज करने की सुविधा शुरू कर चुकी है और अब दिल्ली पुलिस ने चोरी हुए सामान के मिलने पर ट्रेस रिपोर्ट को डिजिटल कर दिया है। इस सिस्टम के लागू होने से कई बार जो चीटिंग के मुकदमे होते हैं उनकी शिकायत के अंदर में आमतौर पर शिकायत आती है कि साहब मेरी शिकायत दर्ज नहीं हो रही या मैं कंप्लेंट करना चाहता हूं विजिलेंस से, मेरी कंप्लेंट जैसा मैं कर रहा हूं वैसी दर्ज नहीं होती। तो उसके लिए हमने अब जो है एक सिस्टम हम डिवाइस करने वाले हैं, डिवाइस कर रहे हैं, बनना शुरू हो चुका है कि अगर किसी को अपनी चीटिंग की शिकायत करनी होगी हम उसको फैसिलिटी देंगे, वो सेल फोन के जरिए या इंटरनेट के जरिए वो अपनी शिकायत दिल्ली पुलिस को भेज पाएगा। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी ठगी के मामलों में आती है। ठगी होने पर या फर्जीवाड़ा होने पर परेशान शख्स को एफआईआर दर्ज करवाने में बेहद परेशानी होती है। इस वजह से ये ठगी के मामलों की एफआईआर भी अब डिजिटल घर बैठे हो जाएगी। वो व्यक्ति शिकायत का जो है जिस्ट हम उसमें एप्लीकेशन जो बना रहे हैं उसमें व्यक्ति को अख्तियार होगा कि उसकी अपने शिकायत की जिस्ट बताए, फिर उसके बाद में वो बताए हमारे को कि उसका पास क्या एविडेंस है चीटिंग को प्रूव करने के लिए, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो क्या ओरल एविडेंस है उसके पास में। उसके अलावा वो व्यक्ति ये भी बताएगा कि ये जो विटनेस है ओरल एविडेंस वाली क्या मैं पेश करूंगा या नहीं कर पाऊंगा। डॉक्यूमेंट के बारे में भी वो बताएगा कि ये मैं डॉक्यूमेंट पेश करूंगा या नहीं करूंगा। दिल्ली पुलिस का दावा है कि 2016 तक दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगी और बहुत ही खास परिस्थितियों में ही लोगों को थाने आना पड़ेगा। संजीव मानकर, टोटल न्यूज़, दिल्ली।